वेलकम टू टेक्निकल शीज़ा मेरा नाम है सोनिया और आज हम जो क्लास लेने वाले हैं बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है ओवरले के ऊपर है और साथ ही साथ हम सीखेंगे रिमूव बीजी यानी क्रोमा की वगैरह के फीचर्स अभी हमारा बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन आ रहा है रिमूव बीजी ओवरले आज हम ना ये सिर्फ दो टॉपिक ही सीखेंगे एक रिमूव बीजी है और एक ओवरले है दोनों ही बहुत आसान है और दोनों ही बेहद यूजफुल है अब मैंने यहाँ पर कोई बटन ऐड करना हो कोई इंसान ऐड करना हो कुछ भी ऐड करना हो मैं क्या करूंगी ये वीडियो एज इट इज पड़ी हुई है मैं जाऊंगी ओवरले में ओवरले में जाके यहाँ से मैं कोई भी ऐसी वीडियो पकड़ूंगी जो कि या तो ग्रीन स्क्रीन में होगी या फिर मुझे उसमें से किसी इंसान को निकालना होगा अब मिसाल के के तौर पर पर ये ग्रीन स्क्रीन है यहां पर कुछ है कुछ लिखा हुआ इस वीडियो के अंदर पहले तो ये नहीं ना लिखा हुआ था लेकिन मुझे ये चीज जो है इस वीडियो के अंदर ऐड करनी है ये आपने लाजमी इस इस चीज को तो आपने रट लेना है ना कि रिमूव बीजी क्या है ओवरले क्या है ये किस तरह से लगाना है इसको तो मतलब आपने घोल के ही पी जाना है और ये तो मैं बार बार आपसे पूछूंगी अब हम आते हैं हमारी रिमूव बीजी की तरफ ठीक है रिमूव बीजी आपको ओवरले में भी मिल जाएगा मेन स्क्रीन में भी मिल जाएगा ये इसका आइकन और इसका नाम है रिमूव बीजी हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे ऑटो रिमूवल कस्टम रिमूवल और क्रोमा की मेन जो इसका असल नाम है ना रिमूव बीजी का वो यही है क्रोमा की हर क्रोमा की में जब भी आप सिलेक्ट करते हो ना तो आपको कलर पिक करना होता है कुछ में व्हाइट ब्लैक या ग्रीन ऑटोमेटिकली होता है कुछ में आपको पिक करना होता है तो ये देखिए कलर पिक कर यहां पे है यहां से मैं इसको टच करूंगी जिस कलर पे मुझे इसको रखना होगा रखूंगी अब तो ये देखिए जो सर्कल है है वो सारा ग्रीन हो चुका पर नीचे दो ऑप्शन है इंटेंसिटी और शेडो के मैं इनको जैसे ही इंक्रीज करूंगी ये देखिए इंटेंसिटी और शेडो जैसे मैं इनको इंक्रीज करूंगी ये ग्रीन स्क्रीन जो है वो पूरी की पूरी हट जाएगी इसको मैं क्लिक कर दूंगी और यहाँ पर हमारे पास पीछे सिर्फ वो ही लिखा हुआ आएगा जो कि हमें चाहिए पिक्चर भी ऐसे बाहर पिक्चर भी ऐसे निकल आएगी लेकिन उसके लिए आपको या वाइट या ब्लैक या ग्रीन स्क्रीन चाहिए जो वैसे बहुत ज्यादा कलरफुल पिक्चर होगी ना वो प्रीमियर प्रो में ही निकलेगी कैपकट में नहीं निकलेगी वैसे आपके पास दूसरे दो ऑप्शन भी हैं रिमूव बीजी के अंदर ये हमारे पास ब्रश और इरेजर है कस्टम में ये होगा मैं जहां जहां ये ब्रश लगाऊंगी ना तो ये यहाँ यहाँ से रिमूव हो जाएगा ऐसे नहीं आपको नजर आएगा मैं कोई और वीडियो चूज करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ मोबाइल और लैपटॉप में यही फर्क होता है कि जब आप प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करते हो ना तो वो हर चीज परफेक्ट वर्क करती है जो छोटे वाले होते हैं ना उनका फिर यही हिसाब होता है एक मिनट ये ये देखिए ब्रश का है ना ऑप्शन ब्रश का ऑप्शन हम जहाँ अप्लाई कर देंगे वो हमारी चीज ब्रश बन जाएगी जहां पर हम इरेज का ऑप्शन क्लिक कर देंगे ना ठीक है वो हमारा बन जाएगा इरेजर ये सारा चले मैंने यहाँ से मिटा दिया और ये सारा मैंने इधर से ब्रश कर दिया ठीक है क्लिक करेंगे इसको देखते हैं क्या रिजल्ट आता है चलें, अब अब सही हो गया जो इरेज करने वाला था वो उसने इरेज कर दिया है और जो मैंने जिस जिस पे ब्रश फेरा था वो उसने सारी चीज जो है वो रहने दी है ठीक है अब हम आते हैं ऑटो रिमूवल पर थोड़ा सा आगे जाके एक और क्लिप ले लेते हैं उसमें हम ऑटो रिमूवल करते हैं

महीने के लोग कम से कम भी तीन से चार हजार पे करते हैं ताकि उनके पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो यहाँ पर रिमूव जी पे आते हैं ऑटो रिमूवर पे आते हैं ऑटो रिमूवर में ये होगा कि इंसान आपके पास रह जाएगा बाकी उसके आसपास की चीजें चीजें जितनी भी है ना वो रिमूव हो जाएंगी ठीक है ऑटो रिमूवल में आप आओगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड इसका सारा रिमूव हो जाएगा सिर्फ एक इंसान रह जाएगा उसके अलावा भी हमारे पास एक और ऑप्शन है स्ट्रोक का इसमें स्ट्रोक क्या होता है आसपास जिस बंदे का बैकग्राउंड आपने रिमूव किया है उसके आसपास लाइन बन जाएगी सारा समझ आ गया तो ये ही तीन तस्वीरें ना अगर बंदा सिंगल तस्वीर निकालनी हो मगर इन तीनों में से एक तस्वीर निकालनी तो वो फिर आप इस तरह से करके रिमूव बीजी करके ठीक है तो कस्टम रिमूवल पे जाओगे और यहाँ पर से इन दोनों को इरेज कर दोगे ठीक है थोड़ा मोबाइल को जूम इन करके अच्छा सा क्लियर करके रेस करोगे अब एक इंसान हमारे पास रह गया दोनों गायब हो गए ठीक है और ओवरले है ना हमारा ओवरले भी इतना कोई ही नहीं है मैं आपको सिखा देती हूँ ओवरले क्या है हम्म ओवरले ना दो तरह के हैं ठीक है थीके? एक तो ओवरले आपको मिल जाएगा जब मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं ना किया हुआ ओवरले का मतलब क्या है ओवरले का मतलब क्या है कि एक तो ये है हमारा मेन ट्रैक मेन ट्रैक के अलावा हमारे जितने भी दूसरे ट्रैक होंगे ना इसके ऊपर नीचे आगे पीछे जितने भी ट्रैक आएंगे वो हमारे ओवरलेज होंगे एक तो हमारा ओवरले जो है ना यहाँ पे पड़ा हुआ है एक हमारा ओवरले इधर पड़ा मैं जब भी इसको क्लिक करूंगी तो मैंने कोई भी वीडियो के ऊपर कुछ भी रखना है ना ये वाली तस्वीर मैंने वीडियो के ऊपर रखनी है ओवरले से आके मैं इसको इस तरह से रख दूंगी जैसे मिसाल के तौर पे ऊपर आपकी वीडियो चल रही है किसी मौलवी की और यहाँ पर आप आए हो आपने अपनी वीडियो बनाई और ये वीडियो के अंदर आपने ऐड कर दी अब यहाँ पर जो है आपका चेहरा चलता रहेगा और पीछे वीडियो चलती रहेगी एक तो ये हाँ ये वही है ओवरले ठीक है एक तो ये आपको बाहर से ही मिलेगा ठीक है इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कुछ कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं ये बाहरी पड़ाव है बाहर ही पड़ा हुआ है ओवरले चौथे नंबर पे और दूसरा ओवरले हमें कहाँ से मिलेगा और उसका क्या काम है दूसरे ओवरले का, का अब काम यह है कि अब ये मेन ट्रैक है ठीक है ये मेन ट्रैक हमारा जा रहा है इसमें जाते जाते वीडियो है जो मुझे ओवरले के अंदर चाहिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और बीजी के आगे है ओवरले इसको मैं क्लिक कर दूंगी तो ये हमारे पास वीडियो मेन ट्रैक से हटके ओवरले के अंदर आ जाएगी और अब मैं इसको यूज कर सकती हूँ कहीं पर भी एक और इसको मैं ओवरले के ऊपर लेके आती हूँ रिमूव बीजी के आगे ही है हमारे पास ये ये हमारे पास इसको मैं जरा ऊपर कर देती हूँ लेयर्स के ठीक है। है। ये हमारे पास आ गई ओवरले का ही एक हिस्सा है layers. Layers पे क्लिक करूंगी और ये वन या टू ये मुझे जो भी रखना होगा इसको मैं रख लूंगी मैं एक और वीडियो ओवरले में ऐड करती हूँ और फिर आपको लेयर का जो है ना ऑप्शन समझाती हूँ मिसाल के तौर पे ये वाली तस्वीर मैंने ओवरले के अंदर ऐड कर दी ठीक है एक मेन ट्रैक हो गया एक फर्स्ट वाला ओवरले हो गया और एक थर्ड वाला ओवरले हो गया ये चार अब आ, ये तो हमें शो ही नहीं हो रहा इसको हम डिलीट कर देते हैं अच्छा अब मैं चाह रही हूँ कि ये लड़की आगे आ जाए और ये जो बेडशीट की तस्वीरें है ना ये पीछे चली जाए तो मैं क्या करूंगी इनको सिलेक्ट करूंगी यहाँ पर आगे जाके जो लेयर्स हैं इसको सिलेक्ट करूंगी और मैं इसको नंबर वन पे रख दूंगी अब ये आगे आ जाएगी और दूसरी वाली पीछे चली जाएगी इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारी क्लास भी मैंने आपको सिखाया है। वीडियो एडिटिंग की जर्नी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज आप हर एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देखोगे और ये बेहद ज़रूरी है आपकी एडिटिंग के अंदर इसी के साथ अल्लाह हाफिज